जिससे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महादेव सट्टा ऐप केस में 1296 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। महादेव सट्टा केस में ईडी ने इस बारे में ऑफिशियली जानकारी दी है। रायपुर सहित कई शहरों में रेट में 580 करोड़ रुपए कुल मिलाकर सीज हुए हैं। हाल ही में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, रायपुर में रेट पड़ी थी, उसके बाद से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था ईडी की टीम की तरफ से कि बड़े स्तर पर खुलासा इस मामले को लेकर हो सके, कुछ लोगों को पकड़ा जा सके। चूंकि एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क है ये, जिसके तार छत्तीसगढ़ में भी फैले हुए हैं, रायपुर में भी रेड पड़ी हुई थी, और उसके बाद अब कुल मिलाकर जो संपत्ति पाई गई है उसके बारे में ब्यौरा ईडी की टीम की तरफ से दिया गया है। 1296 करोड़ रुपए अभी तक जब्त किए जा चुके हैं महादेव सट्टा ऐप केस के जरिए। अलग अलग शहरों में रेड पड़ी, जो वो शहर थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, रायपुर में भी छापामार कार्रवाई की जानकारी आपने देखी थी, और उसके बाद अब ये तमाम बड़े खुलासे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। युगल, एक बहुत बड़े स्तर पर ये नेटवर्क चलता आ रहा है, चूंकि हमने बहुत लंबे अरसे से कार्रवाई भी देखी है, ये भी बताइएगा कि इस संपत्ति का खुलासा तो है ही, इसके अलावा नेटवर्क को लेकर कोई और अतिरिक्त जानकारी? ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है, लगभग 2.5 साल से अधिक वक्त हो चुके हैं जब ईडी की जो टीम है यहाँ पर दस्तक देती रही है, और महादेव सट्टा ऐप को लेकर के कईयों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े जो नेटवर्क्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो या तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, और ईडी ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि 1296 जो करोड़ रुपए है उसे जो जब्त किया गया है अब तक की जो कार्रवाई उसमें, लेकिन 580 करोड़ रुपए को अभी तत्काल जो सीज किया गया है। इसके अलावा मुंबई से लेकर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश लगातार जारी रही है, और अभी भी जो खाई वाले जो उनके जो जो खाने वाले थे वो रकम को उनको गिरफ्तारी है वो लगातार उस पर की जा रही है। यहां तक के जो रेड कॉर्नर नोटिस भी जो जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो आरोपी हैं उन पर जारी किया है, और अभी भी लगातार ईडी की कार्यवाही है अलग अलग जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी ने जो अब तक की जो कार्रवाई की है, इससे पहले लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए की जो सीजिंग की बात आ रही थी, लेकिन अब जो ईडी ने प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 1296 करोड़ को की जो पूरी कार्रवाई है की गई है, 580 है करोड़ है उसे सीज किया गया है। हिस्सा महज है युगल इस कार्रवाई का, चूंकि बहुत बड़े स्तर पर नेटवर्क को फैले जाने की बात, और उसके साथ साथ अभी फिलहाल 5 शहरों को लेकर जो कार्रवाई उसका ये डेटा है, अभी दायरा बढ़ सकता है युगल? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हैं होनी हैं। अभी जो ईडी की टीम ने भोपाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और जिस तरह से उन्हें रायपुर लेकर के आएगी और पूछताछ करेगी, उसके बाद एक अन्य जो आरोपी है भोपाल से ही फरार चल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है जब उसकी गिरफ्तारियां होंगी तो किस तरह से पैसे को खपाते थे, कैसा ट्रांजेक्शन करते थे, इस पर अलग से पृथक से जो है वो खुलासा हो सकेगा। और ईडी है लगातार जो देखने वाली बात अब युगल के कितने बड़े स्तर पर इस बारे में खुलासा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। महादेव सट्टा ऐप का जिक्र कर रहे हैं तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी, मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तलरेजा और रतनलाल जैन ने शुभम सोनी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया। भोपाल ईडी तलरेजा को आज रायपुर ईडी को सौंपने वाली है। रतनलाल जैन अभी भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस जानकारी से जुड़ा हुआ, चूंकि महादेव सट्टा ऐप केस के खिलाफ लगातार ईडी एक्शन मोड में नजर आती हुई, एक तरफ छापामार कार्रवाई और दूसरी तरफ इस कार्रवाई का असर ये कि संपत्ति तो कुर्क की गई है, संपत्ति बरामद कर ली गई है। कुछ ऐसे मुख्य आरोपी जो इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे अलग अलग शहरों में, उन पर भी नकेल कसी जा रही है।